हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूले। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे कंपनसेशन थ्योरम के बारे में, राइट? देखिए, कंपनसेशन थ्योरम काफी छोटा सा टॉपिक है, ठीक है? आइए इसको थोड़ा सा डिटेलिंग में समझते हैं, धीरे धीरे समझेंगे। इन अ लीनियर बायलैटरल नेटवर्क, कैसा नेटवर्क होना चाहिए? लीनियर bilateral network with independent source, linear bilateral network है with independent source. If an impedance Z with current I through it, ये impedance Z है और इसमें current कितना flow हो रहा है circuit में? I, इस circuit में current I flow हो रहा है through it, is changed to Z del Z. ये जो impedance था जिसमें current कितना flow हो रहा था, जिसमें करंट फ्लो हो रहा था, I फ्लो हो रहा था, अब उसको क्या किया गया है, चेंज कर दिया गया है किसमें? Z प्लस डेल Z में। अब इसको Z प्लस डेल Z में चेंज कर दिया गया है, मतलब कि क्या डेल Z मतलब क्या? थोड़ा सा चेंजेस, ठीक है? मान लीजिए अगर ये 10 ओम का था तो डेल Z मतलब क्या? 10 प्लस 2 या 10 प्लस 1 या 10 प्लस 3, थोड़ा सा चेंज करने से अब क्या इंपीडेंस हो गया? थोड़ा सा कम या ज्यादा हो गया। अब जैसा कि पहले केस में क्या करंट फ्लो रहा था? I। नेक्स्ट केस में क्या I ही करंट फ्लो होगा? नहीं। अब केस में, अब मानते हैं चलो करंट कितना फ्लो रहा है सर्किट में? I डैश। यहां से कितना, इस ब्रांच से कितना फ्लो रहा? I डैश, I डैश, ठीक है? क्या लिखा आगे? चेंज टू Z प्लस डेल Z, then incremental change, incremental change मतलब क्या? del z in change in the current, del z क्या है? change in the impedance, incremental change in the current मतलब भी क्या? del I, I dash minus, sorry, ये जो I है ठीक है, I डैश क्या है? I प्लस डेल I, डेल I क्या है? इंक्रीमेंटल चेंज है, ठीक है? इन द करंट ड्यू टू दिस विल बी सेम एज द करंट प्रोड्यूस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स, मतलब कि क्या? ये जो इंक्रीमेंटल चेंज है, ये इंक्रीमेंटल चेंज इन करंट incremental change in current is same as a current produced by a voltage source, मतलब कि क्या? देखिए, पहले हमारे पास था linear bilateral network, उसमें current I flow हो रहा था, impedance था Z, उसमें I current flow हो रहा था। अब अगर थोड़ा सा change कर दूं Z को Z plus del Z में, तो उसमें क्या current change हो गया? current change हो गया किसमें? I dash में। अब मुझे ये बताना है कि del Z की value क्या है, तो वो बोल compensation theorem ये बोल रहा है कि जो डेल जेड की वैल्यू है ना, सॉरी डेल आई की वैल्यू, जो जेड डेल जेड में चेंज हो गया, आई करंट जो फ्लो हो था आई डैश में चेंज हो गया, तो इंक्रीमेंटल चेंज इन करंट क्या हुआ? डेल आई जो था उसकी वैल्यू कंपनसेशन थ्योरम हमें बता रहा है कि चेंज इन करंट ड्यू टू दिस विल बी सेम एज अ करंट प्रोड्यूस बाय अ वोल्टेज सोर्स, करंट प्रोड्यूस, ये जो चेंज है इस सेम एज अ करंट प्रोड्यूस, इससे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, सपोज कुछ करंट प्रोड्यूस हो रहा है ऐसा, उसकी वैल्यू क्या होगी? डेल आई होगी। इस सेम एज द वोल्टेज प्रोड्यूस बाय आई डेल जेड, आई क्या है? पहले जो करंट फ्लो हो रहा था, डेल जेड क्या है? चेंज इन इंक्रीमेंटल चेंज इन इंपीडेंस, ठीक है? व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज विथ न्यू इंपीडेंस, न्यू इंपीडेंस सीरीज में कनेक्ट किया गया है, सीरीज विथ न्यू इंपीडेंस जेड प्लस डेल जेड इन द न्यू नेटवर्क, नए नेटवर्क में With all the independent sources being turned off, ठीक है, lines समझते हैं। एक network था linear bilateral network, उसमें impedance Z था, उसमें current कितना flow रहा था? I current flow रहा था, ठीक है? अब थोड़ा सा impedance को change किया गया, Z plus del Z हो गया, impedance को change करने से current change होगा, current change होगा, क्यों change होगा? Basic Ohm's law, Ohm's law क्या होता है? आपका जो रेसिस्टर इंपीडेंस जो भी है उसमें से करंट फ्लो होता है, ठीक है?
ये देखिए, मान लीजिए ये ऐसा है वोल्टेज सोर्स, कुछ करंट फ्लो हो रहा है आई, ये वोल्टेज है। अब जो ये वोल्टेज है, यहां पे कुछ ड्रॉप करंट के कारण इस रेसिस्टर में ड्रॉप होगा, यहां पे कुछ और ड्रॉप होगा, तो ये सारे जो ड्रॉप हो रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप्स हो रहे हैं किसके अक्रॉस, रेसिस्टर या इंपीडेंस के अक्रॉस, वो किसको अपोज कर रहे हैं, सोर्स वोल्टेज को अपोज कर रहे हैं, राइट। तो वैसे ही जेड प्लस डेल जेड जैसे ही हुआ तो वोल्टेज करंट क्या चेंज हो गया आई डैश में, और आई डैश क्या है आई प्लस डेल आई है। अब हमें पता लगाना है कि ये डेल आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू तो पता थी हमें, डेल आई की वैल्यू क्या है, ठीक है। डेल आई क्या होगा हमारा, कि अगर मान लीजिए हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, किसको, इंडिपेंडेंट सोर्स को, और जो चेंज इंपीडेंस है उसके सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स अज्यूम कर लेते हैं जिसकी वैल्यू क्या है आई डेल जेड, आई इंटू डेल जेड, ठीक है, आई डेल जेड है, उसके कारण जितना करंट फ्लो हो रहा होगा सर्किट में, उसके कारण जितना करंट फ्लो हो रहा होगा सर्किट में वो किसके इक्वल होगा, डेल आई के इक्वल होगा। और क्यों, हम देखिए पोलैरिटी डायरेक्शन, देखिए करंट का चेंज हुआ है, यहां पे क्लॉकवाइज था ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, क्यों ऐसा, क्योंकि भाई वोल्टेज सोर्स जो था वो ऐसे कनेक्टेड था, जितना भी इंपीडेंस के कारण जो वोल्टेज सोर्स आता है वो किसको अपोज करता है, सोर्स वोल्टेज को, तो इसीलिए सोर्स वोल्टेज को अपोजिंग नेचर बनाने के लिए और इधर करंट डायरेक्शन को फ्लो करवाने के लिए इसलिए हमने क्या किया, ऐसा पोलैरिटी लिया। और आप ही सोचिए, मान लीजिए वोल्टेज था 10 वोल्ट का, रेसिस्टेंस था 5 ओम का और 5 ओम्स का, पहले करंट कितना फ्लो हो रहा था 1 एम्पियर, ठीक है, 5 10 ओम हो गया टोटल 10/10 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था। अब अगर मैं इंपीडेंस को बढ़ाता हूं, मतलब कि एक 5 ओम को कर देता हूं 6 ओम्स जैसे ही किया मैं, तो करंट क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हुआ मतलब कि क्या, कुछ करंट जो उल्टा डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था सुपरपोजिशन थ्योरम जैसे था हमारा, वो सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या कर रहे थे हम, आई प्लस आई डैश प्लस आई डबल डैश, आई डबल डैश अगर नेगेटिव आ गया अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो करंट रिड्यूस हो जा रहा था। तो इसीलिए हम जो अपोजिंग वाला नेचर था उसको हम उल्टे में दिखाएं, राइट। और वैसे ही अगर करंट को मैं क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस को मैं कम करता, करंट बढ़ जाता, ठीक है, तो वो भी इसी से दिख जाता हमें। तो ये चीज थी हमारी कंपनसेशन थ्योरम। इसी वीडियो में अगर हम इसका एक न्यूमेरिकल कैच करें कि कैसे इस थ्योरम को हमको एग्जीक्यूट करना है तो हमारा और भी कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल अभी देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, अब देखते हैं, अगर नहीं भी समझोगे तो इस क्वेश्चन से आपको डेफिनेटली वो चीज समझ में आ जाएगी। देखिए, फाइंड द चेंज इन करंट, चेंज इन करंट मतलब डेल आई पूछ रहा है मुझसे, ठीक है, चेंज इन करंट। अभी हमने देखा क्या चीज होता है, ये डेल आई के बारे में, थ्रू रेसिस्टर आर थ्री क्या है, मतलब जेड है, आर थ्री पहले क्या था, जेड जो हम पढ़े थे कंपनसेशन थ्योरम में वो था, आर थ्री से पूछ रहा है व्हेन इट इज इंक्रीमेंटेड टू 3 ओम। अभी क्या है आर थ्री, अभी है 2 ओम्स, इंक्रीमेंट किस में कर देंगे इसको 3 ओम्स में, 2 ओम्स मतलब किस में चेंज हो जाएगा, जब 3 ओम्स में चेंज हो जाएगा तब क्या होगा चेंज इन करेंट, ये पूछ रहा है हमसे। तो देखिए, पहला चीज, पहले 2 ओम था, अब 3 ओम हो गया, आप मुझे बताइए डेल आर कितना होगा, चेंज इन रेसिस्टेंस कितना हुआ, 3 - 2 इज इक्वल टू 1 ओम, करेक्ट है, यहां तक सहमत है। अब पहले फर्स्ट टाइम जब सर्किट में 2 ओम सी था आर थ्री, तब कितना करंट फ्लो हो रहा था हमारे में, तब देखिए 2 पैरेलल में, दैट इज 1 ओम इन पैरेलल, 1 ओम इन सीरीज विद 2 ओम्स, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 3 ओम्स आ गया, और वोल्टेज सोर्स कितना है 6 है, तो आई कितना आ गया 6/3 दैट इज 2 एम्पियर, ठीक है, आई आ गया 2 एम्पियर, मतलब यहां से आई निकल रहा है 2 ओम, ठीक है। पर हमें क्या बताना है, हमें उस आई से मतलब है जो 2 ओम्स रेसिस्टेंस में फ्लो कर रहा था, उससे हमको लेना देना है। तो अब बताइए 2 ओम्स इधर है 2 ओम्स इधर है, तो
तो यहां पे कितना करंट फ्लो हो रहा होगा और यहां पे कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। बेसिकली अगर दोनों इंपीडेंसेस सेम है तो ये कितना हो जाएगा, 1 ओम, आधा आधा करंट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जिससे मतलब था वो था आई, जो एक्चुअल आई था उसका, अगर मैं इसको लिखूं, इसको मैं लिख देता हूं आई एस, लिख देता हूं आई एस, और आई जो है हुआ हमारे वो हो गया 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये 1 एम्पियर किससे हुआ, थ्रू आर थ्री। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि हमें आर थ्री को चेंज कर दिया 2 ओम से 3 ओम में। जैसे ही चेंज करेंगे 3 ओम में, तो अब हमें बताना है डेल आई की वैल्यू बतानी थी, डेल आई की वैल्यू बतानी थी। तो डेल आई के लिए हमने कंपनसेशन थ्योरम ये बोला कि एक ना वोल्टेज सोर्स ले लो इन सीरीज विद द इंक्रीमेंटेड, इन सीरीज विद द इंक्रीमेंटेड इंपीडेंस, एक वोल्टेज सोर्स ले लो, ये लीजिए एक वोल्टेज सोर्स लिया ये, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसकी वैल्यू रहेगी आई डेल सेट। मतलब ये क्या, I है हमारा 1 into del R, that is 1, तो is equal to 1 volt। ठीक है, ये 1 volt का वोल्टेज सोर्स अस्यूम किया और मुझे बोला गया कि इसको कर दो शॉर्ट सर्किट, ये कर, ये हो गया शॉर्ट सर्किट। ठीक है, राइट, अगर ये हो गया शॉर्ट सर्किट और ये सब कितना हो गया, चेंज हो गया, करेक्ट है, और इसको अब ये 2 ओम्स हो गया, किसमें, 3 ओम्स में। अब जो करंट फ्लो होगा वो कैसा करंट फ्लो होगा, यहां से जो करंट निकलेगा वो किसके इक्वल होगा, डेल आई के इक्वल होगा। यहां से जो करंट निकल रहा है वो किसके इक्वल होगा, डेल आई के। तो ये जो डेल आई है वही तो आंसर होगा। तो अब बताइए सिंपल सर्किट 2 ओम्स इन पैरेलल विद 2 ओम्स कितना हुआ, 1 ओम, 1 ओम इन पैरेलल, 1 ओम इन सीरीज विद 3 ओम्स, ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, आर इक्विवेलेंट आया मेरा सेकेंड केसेस में 4 ओम्स, और डेल आई यहां से निकलता है मेरा 1/4 = 0.। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल करंट कितना आया मेरा, डेल आई इज इक्वल टू 0.25। ठीक है, तो ये था हमारा कंपनसेशन थ्योरम, पूरा आपको समझ में आ गया होगा होप। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो इस न्यूमेरिकल से आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो ये कंपनसेशन थ्योरम था, काफी छोटा सा और काफी छोटा टॉपिक था, ज्यादा डिटेलिंग इसमें आती नहीं है, पर इतना कॉन्सेप्ट भी आपके लिए काफी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।